क्या आपको भी हर मौसम में, हर रोज, हर टाइम अपने फेस पे ग्लो चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए? ब्राइटनेस से मेरा मतलब क्या है, कभी आपने पूर्णिमा के चांद को चमकते हुए देखा है? वही ब्राइटनेस आ जाएगी आज का स्किन केयर करने से। आज का जो स्किन केयर है उसे आप सर्दी में, गर्मी में, पतझड़ में, मानसून में, यहाँ तक कि आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। हर टाइम आपकी स्किन के लिए सूटेबल होगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दादी नानी के नुस्खों पर विश्वास करते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। क्यों? क्योंकि जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं ना, वो 100% रियल होते हैं, वो काम के होते हैं, वो रिजल्ट देने वाले होते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी मार्केट वाली चीज़ लगाने से पहले एक बार जो दादी नानी का भंडार है हमारे पास नुस्खों का, उन्हें आपको जरूर यूज करके देखना चाहिए। देखिएगा कैसे आपकी जो स्किन है वो खिलती है एक गुलाब की तरह, उसमें कितनी ब्राइटनेस आती है, उसकी जो स्किन प्रॉब्लम्स है ना, सारी की सारी बिल्कुल साफ चकाचक चटाचट हो जाएंगी अगर आप दादी नानी के नुस्खे यूज करेंगे। तो ऐसा ही दादी नानी का नुस्खा मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। नाइट टाइम स्किन केयर होने वाला है, सारा स्किन केयर आप नाइट टाइम पे करेंगे, शाम के टाइम पे करेंगे, क्योंकि जो भी गंदगी है आप दिन भर लेके घूमते हैं वो सारी उधर जाएगी रात के टाइम पे और उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम पैक बनाएंगे। पैक बनाने के लिए आपको क्या लेना है, टमाटर मीडियम साइज का और 2 आपको पील ऑफ लेने हैं, यानी ऑरेंज का छिलका आपको लेना है। मुझे पता है आप बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि वही घिसे पिटे इंग्रेडिएंट्स लेके आ जाते हैं। हम जो आटा खाते हैं, रोटी बनाते हैं जिसकी, उसे आप कितने तरीकों से यूज करते हैं और हर तरीके में उसका टेस्ट अलग होता है। जैसे रोटी का टेस्ट कुछ अलग है, पूरी का कुछ अलग है, आलू के परांठे का कुछ अलग है, गोभी के परांठे का कुछ अलग है, उसके बहुत सारे यूजेज हैं और उसके जो टेस्ट हैं वो भी अलग अलग हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स एक ही है। तो सेम वैसे ही इंग्रेडिएंट्स आपको वही मिलेंगे, लेकिन सबका बनाने का अपना एक तरीका होता है और इनका जो रिजल्ट्स है ना, अगर आप अलग अलग तरीके से यूज करेंगे तो अलग अलग तरीके से आपको अपनी स्किन पे इनका बेनिफिट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो टमाटर है और जो ये ऑरेंज है, काट के आपको मिक्सर जार में डाल के इनका एक पेस्ट बना लेना है। जो टमाटर और ऑरेंज है ना, यकीन मानिए आपके ओपन पोर को बिल्कुल बंद कर देगा और आपकी स्किन पे वो जो चंद्रमा वाला चमक मैं बोल रही थी ना, मून वाला चमक, वो चमक लेके आएगा। तो इस तरीके से आपका पेस्ट बन जाएगा। हाँ, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। ओके, मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था तभी जाके इसका एक प्यारा सा पेस्ट बन के हमारा जो है तैयार हो गया है। इसको हम अलग से बाउल के अंदर निकाल लेंगे, लेकिन जो मिक्सर जार में ये पेस्ट बचा हुआ है ना, इसको आपको फेंकना नहीं है। मैं आगे चल के बताऊंगी कि इसका आपको क्या करना है। तो ये पेस्ट आपको लेना है 4 बड़े चम्मच, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आपको लेना है आपका घर का बेसन। बेसन में मैंने यहाँ पे नीम पाउडर भी ऐड किया है। अगर आप बेसन और नीम पाउडर को मिक्स करके रख लेंगे ना, तो आपको उसे यूज करने में आसानी हो जाएगी। बेसन स्किन से पसीना हटाएगा, आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा। और जो नीम है, जो गर्मियों में पिंपल्स आ जाते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की प्रॉब्लम आ जाती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको किल करने में और आपके मेलानिन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में नीम पाउडर आपके यहाँ पे मदद करेगा। तो 2 चम्मच के करीब आपको इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से बिल्कुल एक प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। गर्मियों में जो भी आपको प्रॉब्लम है, पसीना आता है तो ये लगाइए, अगर पिंपल है तो ये लगाइए, अगर आपका कलर डल हो गया है तो ये लगाइए, सन टैन हो गया है तो ये लगाइए, डार्क सर्कल आ गए हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं, डेफिनेटली इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो लगाने का तरीका क्या रहेगा, आपको सबसे पहले अपना जो फेस है वो ऑफकोर्स क्लीन कर लेना है फेस वॉश के साथ, सिंपल पानी के साथ नहीं, फेस वॉश के साथ। फेस वॉश क्या करेगा, जो ऊपर की गंदगी है ना उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देगा और जो पैक हम लगाएंगे उसका सारा जल्स हमारी स्किन अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी और उसका रिजल्ट निखर के आएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो पेस्ट है हल्की सी मसाज करते हुए लगा लेना है बिल्कुल अच्छे से, जेंटली। ये स्कल्प का भी काम करेगा और ये पैक का भी काम करेगा। ओके, तो अच्छे से अपनी गर्दन पे, अपने फेस पे, गालों पे, नाक पे, फोरहेड पे, लिप्स एरिया पे आप इसको डेफिनेटली लगा के छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा पेस्ट बचा हुआ है उसे आपको फेंकना नहीं है, उसको क्या करना है, उसको उठाना है और अपनी आंखों के आसपास लगा लेना है। यानी कि आपको अगर डार्क सर्कल है ना, तो वो भी ये पैक कम्प्लीटली रिमूव कर देगा और आपकी जो आंखें हैं वो चमक उठेंगी, आपकी जो स्किन काली पड़ गई है ना वो निखरना शुरू हो जाएगी। आंखों के आसपास की स्किन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका कोई भी वेस्टेज नहीं करना है आपको, हर एक हिस्सा इसका आपको लगाना है बॉडी पे। फिर भी अगर आपका बच जाता है तो आप इसको हाथों पे, पैरों पे, फुल बॉडी पे आप इसको लगा सकते हैं डेफिनेटली।
लेकिन खराब नहीं करना है। तो आप इसको रखेंगे कितने दिन, कितने दिन बोल रही हूँ, कितनी मिनट, 15 मिनट के लिए आपको इसे रखना है और आप इसको सिंपल पानी के साथ वॉश कर देंगे। यकीन मानिए जैसे आप वॉश करेंगे ना, तो अगर सन टैन है वो क्लीन हुआ मिलेगा, अगर आपकी स्किन डल थी वो भी आपको फ्रेश दिखेगी। तो इसे आपको एक बार लगाना है, ट्राई करना है और फिर देखिए कैसा कमाल आपकी स्किन पे होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम बात करते हैं कि गर्मियों में क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर भी हमें हाइड्रेशन चाहिए और हमारी स्किन के बाहर भी हमें मॉइस्चराइजर चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको एक गिलास पानी पीना है। एक गिलास पानी पीने से क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी। फिर आपको क्या करना है, बाहर से आपको एलोवेरा जेल लगाना है, क्योंकि एलोवेरा जेल अपने आप में एक मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन को ऊपर से मॉइस्चराइज बनाएगा, आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, रिंकल फ्री बनाएगा और आपकी स्किन पे पसीना नहीं आने देगा, ग्रीसीनेस नहीं आने देगा। और अगर आप मेकअप करके जाते हैं ना बाहर और रात में अगर आप एलोवेरा लगा के सोते हैं तो आपका जो मेकअप है वो काला नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए रात में सोने से पहले एक गिलास पानी और एलोवेरा के साथ एक पतली सी लेयर लगा के सो जानी है। लेकिन इससे पहले हमारा जो पैक है उसको भी आपको लगाना है। ओके, दो स्टेप हैं, दोनों ही स्टेप आपको करने हैं। अच्छा, एक और स्टेप मैं आप लोगों को दे दूं, जिन लड़कियों को काफ़ी मेकअप करने की आदत है, जो गर्मियों में भी मेकअप करती हैं और अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर में ही आपका मेकअप जो है वो निकल जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ऑयली है या फिर आपकी स्किन पे काफ़ी पसीना आता है, तो उस मेकअप को स्टेबल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले बर्फ़ के साथ अपने फेस पे मसाज करनी है। मसाज आपको 5 मिनट के लिए करनी है। मसाज करने से क्या होगा, आपकी जो पोर है वो बंद हो जाएंगे, वहाँ से पसीना ज़्यादा नहीं निकलेगा, ऑयल ज़्यादा नहीं स्क्रेट होगा और आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप जरूर अपना के देखिएगा गर्मियों में। बात करते हैं कि आपको ये सारे स्टेप कब 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 करने हैं। जैसे मैंने बताया कि नाइट के टाइम पे आपको करने हैं सारे ही स्टेप। जो पैक है उसे आप हर रोज लगाइएगा, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बाहर से आते हैं या फिर घर पे भी होते हैं, शाम के टाइम पे ये पैक बनाना है और लगाना है। स्टोर कितने दिन के लिए करके रख सकते हैं, आप इसको 3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। आप इसको हर रोज़ लगाइए, कैसे आपकी चमक आती है स्किन पे, कैसे आपकी जो स्किन है वो चमकती है। और उसके बाद जो एक गिलास पानी पीना है, जो एलोवेरा है, उसको भी आप हर रोज़ रात में करके सोएंगे, अपने आप आपकी जो स्किन है वो फ्रेश बनना शुरू हो जाएगी, हेल्दी बनना शुरू हो जाएगी। और आप डेफिनेटली मुझे दिल से दुआएं देने वाले हैं क्योंकि मैंने इतने कमाल का स्किन केयर आप लोगों को बताया है। और जो बर्फ वाला है वो आपको मेकअप करने से पहले करना है। अब आप देख लीजिएगा कि आप कब कब कैसे कैसे करते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन को ग्लोइंग होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस स्किन केयर को जरूर करना है। जैसा भी जो भी फीडबैक है वो मेरे साथ आप लोगों को शेयर करना है। ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस मेहरबानी, खुश रहें, खुश रखें, बाय।